नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आजकल का प्रेम बहुत उलझन भरा हो गया है। एक का प्रेम दूसरे से है, दूसरे का फिर तीसरे से, और तीसरे का किसी और से। ना लोग रिश्ते को ठीक से निभा पा रहे हैं और ना छोड़ पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ऐसे रिश्तों में प्रेम को छोड़कर और सब कुछ होता है। प्रेम तो सिर्फ शब्दों में ही रह जाता है। कितना आसान है यह कह देना कि मेरा तुमसे प्रेम है। शब्दों में तो लोग बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं कि तुम जीवन में ना रहे तो मर जाएंगे। जो यह कहते थे कि तू ना मिला तो मर जाएंगे, वो आज भी जिंदा है किसी और से यह सब कहने के लिए। एक सच्चाई आप याद रख लो, आजकल यह कह देना बहुत आसान हो गया है कि मेरा तुमसे बहुत प्रेम है। ये लाइन लोग सबसे कहते हैं। आप ज्यादा इस बात को गंभीरता से ना ले। शब्दों में तो कोई भी बात कह देना आसान है। शब्दों में तो कसमें खा लेना, वादे कर लेना सब बहुत आसान है, पर उनको वास्तव में करना उतना ही कठिन है। और बोलने से क्या होता है? बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। लोग कहते हैं कि आजकल बुखार भी फ्री में नहीं मिलता, पर वादे करना, कसमें खाना, ये सब आज भी बिल्कुल फ्री है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोगों का यकीन मत करो, पर हम ये कह रहे हैं कि जो कहते हैं उसको सच मत मानो, और जो लोग आपकी साथ करते हैं उसे सच मानो। लोग छोटी सी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी के बारे में सब पता करते हैं कि वो फ्रॉड है या सही है, सारी जांच पड़ताल करते हैं। सिर्फ थोड़े से धन की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा परिश्रम करते हैं, पर जहां आप खुद को पूरी तरह से समर्पित करते हैं वहां आप क्यों बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते हेल्दी रहे, आपके रिश्तों में खुशियां रहे, तो आप इस बात को पूरी तरह से पहले से ही निश्चित कर ले कि आप सही रिश्ते में है या नहीं है। बाद में यह कहने से कोई फायदा नहीं कि हम उस इंसान की असलियत पहचान ही नहीं पाए। ऐसा आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि आपने पहले कभी कोशिश ही नहीं की इस प्रेम की सच्चाई को पहचानने की, उसके प्रेम की सच्चाई को जांचने की, परखने की। जहां आप बहुत जल्दी बिना सोच विचार के विश्वास कर लेते हैं, वहां धोखे की संभावनाएं बढ़ जाती है। कई लोग पूछते हैं कि पहले से कैसे पता चलेगा कि हम सही रिश्ते में हैं या गलत रिश्ते में। क्यों नहीं पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। बस आप ये पांच छोटी छोटी बातें चेक करते रहो। एक, सबसे पहले तो आप ये देखो कि वो इंसान आपको देने में खुश होता है या आपसे सिर्फ मांगता रहता है, क्योंकि सच्चे प्रेम में सिर्फ देने में ही सुख मिलता है। जो मांगने में लगा है उसे प्रेम से ज्यादा और बातों में रुचि है। यदि आपको ये लगता है कि आप देना छोड़ दोगे और आपका प्रेम टूट जाएगा, तो फिर आप सही रिश्ते में नहीं हैं। दूसरा, आप ये देखिए कि उसकी आपकी परवाह है कि नहीं है, क्योंकि जो भी इंसान सच्चा प्रेम करेगा उसे सबसे ज्यादा आपकी परवाह रहेगी। आपसे बढ़कर उसके लिए कुछ होगा ही नहीं। तीसरा, आप उसके साथ निश्चिंत और सुखी हैं या फिर दुख या चिंताओं में डूबे रहते हैं? उस रिश्ते में आप खुश रहते हैं या उस रिश्ते में आप रोते रहते हैं? तो उसकी सांस सब कुछ हल्का लगता है, मधुर लगता है, या फिर सब कुछ भारी भारी लगता है, ये करवाहट सी लगती है। चौथा, वो आपसे बातें छुपाता है या झूठ बोलता है, या वो आपसे सब कुछ शेयर करता है, आपसे हमेशा सच बोलता है? क्योंकि जिससे हमारा सब कुछ ज्यादा प्रेम होता है उससे हम हर छोटी छोटी बातें शेयर करना चाहते हैं, उसे सब कुछ सच बताना चाहते हैं। जहाँ झूठ है, जहाँ लुका छुपी है, वहाँ सच्चा प्रेम नहीं है। पांचवा, वो आपके साथ हर पल समय बिताना चाहता है या आपके साथ बोर होता है या आपको समय ना देने के बहाने करता है? ये पांच बातें यदि आप पहले से ही ध्यान में रखेंगे तो आप रिश्तों में कभी चोट खा ही नहीं सकते। और कौन सी है, कौन गलत है, ये सब आपको पहले से ही पता चल जाएगा। इन पांच बातों के अलावा भी एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, वो है आपकी आत्मा की आवाज, जिसे आप इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं। वो आपको पहले ही बता देती है कि आप सही इंसान के साथ रिश्तों में हैं या गलत के इंसान के साथ। बस उस आवाज को सुनने के बाद भी आप अपने मुंह में परखे, आप अपनी आत्मा की आवाज को भी अनसुना कर देते हैं।
उसे भी दबा देते हैं। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई धोखा दे ही नहीं सकता, आपका कोई दिल दुखा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पहले से सब पता होगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।